वालेकुम नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम सात से आठ मैं हूं करन नाज़ 20 सितंबर 2020 पाकिस्तान की छोटी बड़ी ग्यारह जमातों की ए पी सी हुई इस ग्रैंड कोलेशन का नाम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मोमेंट रखा गया जनवरी में लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया एस्टेब्लिशमेंट से सियासत में मुदाखलत बंद करने का मुतालबा किया गया आवाम को इस बात पर राम करने का फैसला किया गया कि माजी के सारे सियासी दुश्मन सिर्फ और सिर्फ आवाम को मुश्किल से निजात दिलाने के लिए आवाम के लिए एक हुए हैं जलसे हो गए शदीद लफ्जी गोला बारी हो गई इदारों को भी खूब लपेट दिया गया वजीर आजम से बार बार इस्तीफ़ा मांगा गया फिर अपने इस्तीफ़ों की बात की गई कभी ज़मनी इलेक्शन न लड़ने कभी सेनेट इंतबाब के बॉयकॉट की बात की खैर से इस्तीफ़ों इस पर कैसे एम एन एज़ और एम पी एस की हालत गैर हो रही है वो सब सामने ज़िमनी और सैनट की भी भरपूर तैयारी हो रही है बहरहाल जलसों में पी डी एम रहनुमाओं ने खूब दिल की भड़ास निकाली हुकूमत की कमजोरियों को उछाला वज़़रम को डेड लाइन भी दे दी गई और अब वज़ी अजम के इस्तीफ़े का इंतज़ार कर रहे हैं कि वज़ी अजम उफ़ी हों और मुल्क के सारे मसाइल हल हो जाएँ तो गोया पी टी आई की हुकूमत चली गई तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे महंगाई जो पिछली हुकूमत सोच से ही कुछ ज़्यादा है वज़़र अजम का इस्तीफ़ा देते ही महंगाई कम तरीन सतह पर आ जाएगी पेट्रोल की कीमतें जो पिछली हुकूमतों में भी चढ़ती रहीं वो आर्मी मार्केट कीमतों पर आ जाएंगी

छुपने की जगह तलाश करेगी वजीर आज़म के मुस्ताफी होते ही सेहत आम हो जाएगी मुफ्त तालीम हर बच्चे को मयसर हो जाएगी सड़कें बेहतर हो जाएंगी ट्रैफिक हादसा वजीर आजम का इस्तीफा आते ही गैस बहरान खत्म हो जाएगा चौबीस घंटे बिजली मयसर होगी चोरियाँ डकैतियाँ राजनी कत्ल गारत गरी खत्म हो जाएगी वजीर आजम का इस्तीफा देते ही कुत्ते नहीं काटेंगे किसी इंसान को बच्चे ज्यातियों का शिकार नहीं होंगे वजीर आजम का इस्तीफा आते ही दरिंदों को सख्त सजाएं होंगी वाला ये है वो अवामी मसाइल जो आपके अदवार में भी थे और आज भी सर उठाए खड़े हैं अवाम समझदार हैं समझते हैं ये इतिहाद आवाम के लिए नहीं सिर्फ इकतेदार के लिए है लेकिन रुकीये इतिहाद का क्या होने जा रहा है इसकी शक्ल निकल रही है डिस्कस करूंगी प्रोग्राम में दिखा देती हूँ आप पीडीएम के इस्तीफों के दावों और दुआओं के बाद गुबारे से हवा निकल गई है मुल्क की सियासी सूरत हाल दिलचस्प हो रही है कराची को कब्रिस्तान बना दिया फातिहा पढ़ना शुरू कर दें सुप्रीम कोर्ट में शहर का नोहा और लाहौर में दिल दहला देने वाला वाकया बच्ची को कत्ल करके लाश से ज्यादा की गई मुलज़मान अदालत में आए तो गुस्से पर काबू नहीं रख सके पाकिस्तान का सियासी माहौल इंतहाई दिलचस्प होता जा रहा है नाजरीन 2007 की तारीख खुद को दोहरा रही है पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर इस्तीफा न देने ज़िमनी और सेनेट इलेक्शन में बाकायदा हिस्सा लेने का फैसला किया है बल्कि पीपल्स पार्टी ने तो शर्त भी आयद कर दी है कि अगर पीडीएम को इस्तीफा चाहिए तो नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान आना होगा जो फ़िलहाल नामुमकिन दिखाई देता है अगर हम खुलकर कहें तो फिर आज तो नाजरीन पीडीएम टूट गई है वो भी तड़ख करके 31 जनवरी तक हुकूमत को घर भेजना था लेकिन ऑपोजिशन इत्तेहाद तो 31 दिसंबर से पहले ही अपने अपने घरों को लौट रहा है पीपल्स पार्टी की सी सी की मीटिंग में फैसला किया गया है कि सेनेट इलेक्शन में जाने के लिए पीडीएम को राजी किया जाएगा यानी चंद दिनों में ये खबर आने वाली है कि नू लीग भी इलेक्शन में हिस्सा लेगी और इस सारी एक्सरसाइज का सबसे ज़्यादा नासुन जो नुकसान हो वो मौलाना फजल रहमान साहब को हुआ है वैसे तो मौलाना को हर तरफ से ही नुकसान मिल रहा है आज उनके अपने पुराने साथियों ने जे यू आई छोड़ने का बाकायदा ऐलान कर दिया है मौलाना शेरानी ने साथियों समेत राह अलग ले लिया है इसी पर बात करने के लिए मेहमान मेरे साथ मौजूद होंगे हाफिज़ हुसैन अहमद साहब मुझे ज्वाइन करेंगे साथ खालिद अजीम साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं खालिद साहब आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ सर ये सिचुएशन इसका अंदाजा था कि पीडीएम की सिचुएशन इसी तरह से बनेगी या फिर ये आपको लग रहा है कि ये फेस सेविंग है कि नवाज शरीफ साहब के साथ मशरूद कर दिया जाए मामले को बेहतर करने के लिए अब देखें जी मैं ये समझता हूं कि आ, कोई भी जो समझदार سیاستदान होता है वो कभी अपने रास्ते बंद नहीं करता और आ, किसी तरफ भी निकलने के लिए उसके पास कोई ना कोई गुंजाइश मौजूद होती है جواز मौजूद होता है और मेरा ख्याल है इसमें शायद यद्युतुला हासिल है आसिफ जदारी साहब को और उनका उस दिन ये कहना कुछ हमारी भी सुन लो भी इसका मतलब ये है कि उनकी नहीं सुनी जा रही या अगर सुनी जा भी रही है तो वो उसको सुनी अनसुनी समझ रहे हैं आ, इसी वजह से उन्होंने ये इस बात की गुंजाइश रखी हुई थी और वो क्या करने जा रहे थे इसका कुछ इंदिया अभी सामने आ जाएगा आ, आ चुका है और कुछ मज़ीद आ जाएगा कि थोड़ी देर तक आ, उनके फैसलों की एक बाकायदा अनाउंसमेंट होगी लेकिन हमारे जराये ने अभी तक जो हमें बताया है उसमें ये है कि उन्होंने लॉन्ग मार्च और इस्तीफ़े दो ही मेन चीज़ें अभी बाकी हैं दो ही एक्टिविटीज़ उनकी बाकी रह गई हैं ये ठीक है कि इस्तीफ़े अभी फ़िलहाल पार्टी सरबराहान के पास जमा होने हैं स्पीकर्स को ये हवाले किए जाने की बात नहीं हुई अभी ये मोडलिटीज़ भी तय नहीं हुई थी कि क्या सारी जगह से मुस्ताफ़ी होंगे या पीपल्स पार्टी को इस बात की गुंजाइश दी जाएगी जिससे के इमरान खान साहब ने जब इस्तीफे अनाउंस किए थे तो उन्होंने सेनेट से भी इस्तीफे नहीं दिए थे और इसके साथ साथ जो पख्तून खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है आ, उसके हुँ. भी मुस्तफ़ी ना होने का उन्होंने ऐलान किया था तो शायद उस रोल मॉडल को देखते हुए सिंध हुकूमत को आ, छोड़ दिया जाता क्योंकि सिंध पीपल्स पार्टी उनको ये बता चुकी है कि किसी एक जगह पर जो हमारी हुकूमत है वो सबकी की क़ुत है वो सबके लिए एक पनह गाह है सेंचुरी है तो इसलिए हुकूमत को ना छेड़ा जाए ये चीज़ें अभी तय नहीं है लेकिन जो कुछ भी है आज तो बाकी सारी चीजों के हवाले से भी पीपल्स पार्टी की जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक उन्होंने नवाज शरीफ की वापसी से इसको मशरूत कर दिया और नवाज शरीफ तो बड़े जतन करके हाँ। बहुत से मेहनत करके वो यहाँ से बैरून मुल्क गए हुए हैं अगर उन्होंने इतनी जल्दी इतनी आसानी से वापस आना होता तो फॉर आज कबूल कर लो पीडीएम को फेस सेविंग का रास्ता मिल गया है शायद नवाज शरीफ साहब की सूरत में देखिये जो शर्त पीपल्स पार्टी ने रखी है पहले तो मैं उस पर आऊंगा किरण सवाल आपका बहुत अच्छा है कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी मतलब ना नवाज शरीफ वापस आएंगे और ये बात आपको पता है मुझे पता है पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि नवाज शरीफ साहब वापस आने के लिए यहां से नहीं गए थे जिस तरह का इलाज उनका चल रहा है वो आपको भी पता है वो मुझे भी पता है उस पे बात करने की हमें जरूरत नहीं है और पीपल्स पार्टी ने क्या मास्टर स्ट्रोक खेला है मुझे लगता है कि वो जो जरदारी साहब ने कहा था ना अपनी तकरीर में ईंट से ईंट बजा देंगे उसके बाद जिस तरह से नवाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब को डिच किया था उस डिच का बदला आज लिया है

ये जो लाहौर का जलसा हुआ है ना जी ये आखिरी था आखिरी नेल था इन द क्योंकि वहां से एसेस किया पीपल्स पार्टी ने भी कि ये इनके पास जान नहीं है इनके पास ना मैन पावर है कल को अगर गलियों में निकलना पड़ा देखिए पीपल्स पार्टी अब सड़कों की सियासत नहीं कर सकती ये बहुत पहले उसने फैसला कर लिया था वो नुँ। नुँ। लोग सड़कों पर नहीं ला सकती पंजाब में तो सवाल ही पैदा नहीं होता इस्लामाबाद में तो सवाल ही पैदा नहीं होता उनका तकिया था पीएमएल पर पी हाँ, ने जो परफॉर्मेंस दी लाहौर जलसे में वो आपके सामने है उसके बाद जो मौलाना के साथ के मौलाना का जो दर्ज अमल था हाँ, मौलाना तो चाह रहे थे कि मैं अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अलग से डिस्कशन आती हूँ आप दोनों की तरफ इससे पहले फयाजुल हसन चौहान से भी प्रोग्राम में शरीक हैं सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर ये बताइएगा पीपल्स पार्टी वैसे खेल किसकी तरफ से रही थी क्योंकि क्योंकि ये यही ये कहा जा रहा था तो सर किसकी तरफ से खेल रही थी रहीम आज जो पीपल्स पार्टी किसी ने फैसले किए हैं उससे मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि पांच चूहे जो घर से निकले शिकार एक चूहे को आगे खांसी बाकी रह गए चार ये बिल्कुल वही सिचुएशन बन गई है और दूसरा जो उन्होंने ये कहा है ना कि लॉन्ग मार्च उस सूरत में होगा जब नवा वापस आएंगे तो ये भी बिल्कुल वैसी सूरत हाल है कि ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी ना वो वापस आएंगे ना लॉन्ग मार्च होगा और तीसरी चीज मौलाना रहमान साहब और बेगम सफदर वान साहिबा अपने सियासी डोले दिखा दिखा के ना लोगों को कहते थे कि देखो मेरा डोला जैसे उड़न कठोला आज वो कह रहे हैं कि ना जो गुजर रही है गुजार दो ना बुरा कहो ना गिला करो जो तुम्हारा हाल है दोस्तों वही सारे शहर का हाल है तो मैं ये समझता हूँ कि आज मौलाना रहमान साहब और बेगम सफदर रहमान साहिबा इनकी सियासत का तो जनाजे के बाद मैं समझता हूँ कि कुल और चालीसवां और बरसी भी बरसीवी है ना एक दफा में ही सारी जन वो हो गई है अब इनको आराम से घर बैठ जाना चाहिए हम तो पिछले दो तीन महीनों से कह रहे थे कि ये इस्तीफे नहीं देंगे हम तो कह रहे थे कि ये इलेक्शन लड़ेंगे सेनेट का हम तो कह रहे थे ये सिस्टम चलेगा लेकिन लोगों को यकीन नहीं आता था तो आज बेगम फरमान साहबी साहबीएम का टोटल हालांकि पीडीएम के लोगों का तो ये कहना था कि जो सेकेंड फेज होगा वो ज्यादा शदीद होगा तो सर क्या शिद्दत भी खत्म हो गई देखिए राह क्या है आज के बाद मैं ये समझता हूँ इसके बाद ये अपने चेहरे छिपाते फिरेंगे मौलाना फजल रबान साहब तो किसी को चेहरा दिखाने के काबिल नहीं है ठीक है जी बेगम सफदर अमान साहिबा और नवाज शरीफ साहब इनकी पीठ पे छुरा घोंपा है शहबाज शरीफ साहब ने मैंने आपको कहा था कि 15 दिसंबर को आसिफ अली जरदारी साहब का पैगाम लेके जब ये मिलने गए हैं कोर्ट लखपत जेल में बिलावल जरदारी साहब शहबाज शरीफ साहब को वहां पे चीजें सारी तय हो गई थी शहबाज शरीफ साहब ने क्लियर कट समझा दिया था बिलावल जरदारी को कि अपने अब्बा जी को मैसेज दे दो कि बेगम सफदर अवान साहिबा सदर नहीं है सदर नहीं। मैं हूँ इस पार्टी का फैसले मैंने करने हैं और मेरा फैसला ये है कि ये सिस्टम चलना है हम बेवकूफ नहीं।, नहीं है कि हम बेगम सफदर अवान के या नवाज शरीफ के, के जिनके पल्ले अब कुछ नहीं है मुस्तबिल में पाकिस्तान की सियासत में हम उनके पीछे जाओ अपनी जो थोड़ी बहुती इज्जत रह गई है जो बचे हैं संघ समेट लो तने दाख दाख लुटाद किया के मजदाक जो चंद संघ मौजूद है उनको समेटना है हमने उनको नहीं है अच्छा फयाज साहब वो से... जो बिलावल कह रहे थे कि मुझे कॉल्स ना करें मुझे मैसेजेस ना करें उनको कॉल्स और मैसेजेस वैसे कर कौन रहा था सर सर बात ये है चीजें सारी क्लियर हो गई हैं अब सारी क्लियर हो गई हैं अब ये सिस्टम चलना है पांच साल पूरे करने और मौलाना शिरानी साहब के बकोल अगले पांच साल भी अल्लाह पाक के करम से नबी पाक के सदके पीटीआई के ही होंगे और वजीर आजम इमरान खान साहब होंगे बस ये आप आपसे समझ लें ठीक है ठीक है फयाजुल हसन चौहान साहब साथ मौजूद है खालिद अजीम साहब सुन रहे हैं आप मत का कॉन्फिडेंस आज का जो पीप, पीपल्स पार्टी की तरफ से जो ऐलान पीपल्स पार्टी का जो फैसला सामने आ रहा है उसके बाद तो हुकूमत का कॉन्फिडेंस मजीद बढ़ गया है फयाज साहब की बात सुन रहे होंगे आप सर देखिये जी इस टाइप का जो कॉन्फिडेंस है उसका तो वो आ, हमेशा से इजहार करते चले आए हैं और वो हमेशा ये कहते आए हैं कि परवाह नहीं है लेकिन असल बात यह है कि जो जो भी आज तक हमने तो जितनी तहरीकें देखी हैं उन तहरीकों के नतीजे में कभी भी जो तहरीक चलाने वाले लोग हैं वो हुकूमत का तख्ता उलट के कभी खुद नहीं आए या अगर उनकी तहरीक के नतीजे में कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है तो फिर कोई तीसरी क़वत आती है जिसके अभी कोई इम्काना हमें नज़र नहीं आ रहे कोई इस किस्म की सिचुएशन सामने हमें दिखाई नहीं देती वरना मैं ये समझता हूँ कि लॉन्गेस्ट एहतजाज तो पी टी आई का था 126 दिन का उनका धरना था थोड़े लोग थे ज्यादा थे जो कुछ भी था लेकिन एक कंसिस्टेंसी थी उसमें उसके नतीजे में कोई ऐसी सूरत हाल नहीं बन सकी कि नवाज शरीफ की हुकूमत जो है वो घर चली जाए या उससे पहले अगर पी एन ए की तहरीक चली तो आपने खुद देखा है कि वो तहरीक चलने के नतीजे में हुआ क्या जयाओल साहब का मार्शल आ गया और इस किस्म की कोई से कोई यकीनदानी किसी को मौजूद नहीं है आ, किसी ने आ, उस किस्म का कोई वेंचर करने का एडवेंचर करने का नहीं सोचा हुआ तो मैं नहीं समझता कि कोई इतना खौफ उनको उस तहरीक की वजह से अलबत् यह ज़रूर है कि तो इन इस किस्म की जो तहरीकें हैं उसमें एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल पैदा होते हैं सारी मशीनरी जो है वो उस एहतजाज को रोकने की तरफ लगा दी जाती है दूसरा मुआषी सरगर्मियां मुतासर होती हैं और जब मुआशी सरगर्मियां मुतासर होती हैं टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है तो फिर हुकूमतों के लिए चलना भी मुश्किल हो जाता है या उनको ऐसे फैसले करने पड़ते हैं आईएमएफ से या किसी दूसरी जगह से कर्ज लेने के लिए जो के उनकी बदनामी का बायस बनते हैं वो एक उनको करने के लिए उसकी तरफ जो है कॉन्फिडेंस तो ही कॉन्फिडेंस होता था, था और कुछ हो हाँ. या ना हो अच्छा फयाजुल हसन चौहान साहब सर इससे पहले रहमान साहब के हवाले से कमेंट लूं मैं चाह रही वैसे सबसे ज्यादा नुकसान में हुआ किस जमात को है किसको हुआ आपको नहीं लगता है कि सरबराह साहब को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो भी पिछले धरने की तरह उनकी अपनी जमात भी टूट गई फिर पीडीएम के मामलात क्या हो रहे हैं पीपल्स पार्टी ने अपनी लाइन ले है नून लीग ने अपनी लाइन ले है वो बेचारे वहीं के वहीं खड़े रह गए फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसके ऊपर तकिया किया जाता था कि अगर धरना दे दिया गया लॉन्ग मार्च कर लिया गया तो फजल रहमान साहब की जमात के व कारकुनान वो मदरसे के बच्चे होंगे तो अब तो ये होगा नहीं तो फिर कहाँ गए वो और उनकी वो स्ट्रेंथ देखिए मौलाना एक जिद्दी जिद्दी बच्चे की तरह एक्ट कर रहे थे जिसको खिलौना चाहिए होता है, चाहिए होता है है और खिलौना खिलौना उसको इसलिए चाहिए क्योंकि उसने तोड़ना होता है और वो जिद जो है वो उसके आगे फिर एक दफा मरियम नवाज साहबा या कह लें बिलावल साहब उन्होंने भी उस जिद के आगे हाथ अपने खड़े किए कि ठीक है भाई आप ये शौक पूरा करके देख लें अच्छा मैं इस पे आने से पहले मैं थोड़ा सा चाहूंगा थोड़ा सा कॉशियसली मैं चलना चाहूंगा क्योंकि मैं भी ट्विटर देख रहा था वहां पर कुछ पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की तरदीद सामने आ रही है वो ये कह रहे हैं कि अभी ऐसा फैसला नहीं हुआ तो आई एम स्टिल वेटिंग अहम खबर अभी वक्त चल रही है समा पर भी चल रही है उसकी तरदीद या जो है वो किसी पीपल्स पार्टी की तरफ से किसी रुकन की तरफ से जो सीएससी का मेंबर था बैठा हुआ था सीएससी की मीटिंग में उसकी तरफ से आ जाए तो मजीद विंडिकेशन हो जाएगी अच्छा रही सही बात अगर फर्स्ट नहीं भी आती तो मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी वो पहली जमात होने की सलाहियत रखती है पी तो पीडीएम को धोखा दे सकती है पीपल्स पार्टी में वो सलाहियत है क्योंकि इससे पहले भी वो कई दफा ऐसा कर चुके हैं और जहां तक रही बात अपने इस्तीफों की तो देखिए इस्तीफे मुझे लगता था कि शायद हुकूमत ओवर कॉन्फिडेंट है लेकिन जो मौलाना के साथ हालात हुए जो पीपल्स पार्टी के साथ गिलगित बल्तिस्तान में हुआ उसके बाद पीपल्स पार्टी ने जिस तरह से आप देखे कि बिलावल ने अपनी कल की तकरीर में सत्ताईस दिसंबर की तकरीर में जिक्र तक नहीं किया इस्तीफों का हुँ, पूरी तकरीर उन्होंने कर दी जज्बाती तकरीर उन्होंने कर दी यहाँ पे मरियम ने जिक्र किया मरियम ने कई दफा जिक्र किया लेकिन बिलावल ने जिक्र नहीं किया तो पीपल्स पार्टी की नियत पे शक तो है आज सीईसी की मीटिंग में जो खबर समा दे रहा है ये विंडिकेट होती है या नफर्स करें नहीं भी होती हम एक हम सिनारो डिस्कस कर लेते हैं तब भी पीपल्स पार्टी पे अगर अब भी नून लीग तकिया किए हुए है कि इस्तीफा दे देगी तो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी सियासी गलती होगी बहुत बड़ी सियासी भूल होगी पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की ठीक है अच्छा फयाज़ साहब जरा की बताइएगा सर आने वाले सेनेट इंतबाब में उस तरह का इतिहाद हो सकता है जो पिछली दफ़ा हुआ था सर जिस तरह से चेयरमैन सेनेट अब, आ, के हवाले से हुआ था तो सर ये अब आने वाले सेनेट में कोई कोई इतिहाद नज़र आ रहा है पीपल्स पार्टी के साथ पाकिस्तान तहरीक साफ कर सकती है सर बात ये है कि सेनेट के इलेक्शन के अंदर इतिहाद उस सेंस में तो नहीं होता लेकिन क्योंकि नंबर गेम्स होती जी है इसके पास जो जो नंबर्स होते हैं उसमें कुछ नंबर ऐसे हो जाते हैं कि जो थोड़ा सा दे के और लेके एक सीट कवर की जाती है एक सीट है ना ये एक इसका सिस्टम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है जना ना सेनेट के इलेक्शन का उस सेंस में हर पॉलिटिकल पार्टी आप हिस्ट्री उठा के देख पिछले 25-30 साल की हर वो पॉलिटिकल पार्टी जो दो एक तरफैन और एक मशरकैन की तरफ जो है वो चलने वाली होती है या मजुबैन की तरफ वो भी जो है वो सेनेट के इलेक्शन में एक हथ सीट के लिए जो है वो इतहात कर लेती है जैसे जमात स्मी और ए एन पी ने भी आपको नजर आएगा खैबर पखतू के लिए दोनों पार्टीज के दरमियान कोई वादे वादा हो गए हैं क्या नहीं सुने ना सुने इस सेंस में अगर कोई एक हद सीट एडजस्टमेंट हो तो एक और चीज है अदरवाइज हमें जरूरत ही नहीं है पंजाब के अंदर आधी सीटें हम आराम से ले जाएंगे केपी -के, के अंदर एटी परसेंट सीटें हम ले जाएंगे ठीक है जी हमारा वहाँ पे भी अच्छा खासा कोटा निकल आना साहब यानी यानी चेयरमैन सेनेट के लिए पीपल्स पार्टी के साथ एडजस्टमेंट हो सकती है सर आप ये कह रहे हैं मैं तो नहीं ये बात कह सकता ठीक है ना ना मेरे पास कोई ऐसी अथॉरिटी है कि मैं आपको ये बात कहूँ लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चेयरमैन सेनेट आराम से इंशाल्लाह जाना अगली दफा हम जनाब अपना बनाएंगे पर अक्सरियत के अंदर हम होंगे इंशाला फिफ्टी और सिक्सटी के दरमियान जनाब हमारी पी टी आई और थालियों की जना सीटें होंगी आई थिंक सो के फिफ्टी फाइव और सिक्सटी के दरमियान सीटें हमारी होंगी और फिर उसके बाद इमरान खान साहब एक नए स्टाइल से जो है वो पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने आएंगे और पी टी आई की हुकूमत पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और बेहतरी के लिए और सॉवरेनिटी के लिए और इकॉनमी की बेहतरी के लिए फिर कानून साजी करने की सही पोजिशन में होगी अभी तो ढाई साल हम पैरलाइज हुए हुए थे हम तो जरा मतल थे हमारे बस में तो कोई चीज ही नहीं होती थी तो इन आपको अच्छे हालात नजर आएंगे और हर आने वाला दिन जो अगले ढाई पौने नहीं नहीं फयाज साहब आपके बस में होने की बात नहीं है खान साहब तो खुद इस बात का इतराक और एतराफ कर चुके हैं ना कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि करना है क्या है अब उन्होंने कहा है ना कि आगे, आगे आप लोगों ने परफॉर्म करना है सर सेंस में था वो एतराफ़ तो जो है वो नवाज शरीफ साहब की वीडियो भी चल रही है जो पैंतीस चालीस साल तोफे चलाते रहे ना इस मुल्क में और आठ आठ दफ़ा जना सूबे की वजारते आला और जना तीन तीन दफा वजारते उजमा के मजे लूटते रहे वो भी डेढ़ साल बाद उनकी तकरीर के जो है वो पोर्शन भी चल रहे हैं तो क्योंकि हमें तो समझ नहीं आया कि हमारे साथ हुआ क्या तो ये कुछ चीज़ नहीं है वो किसी और सेंस में जो है वो इमरान खान साहब ठीक, ठीक से जो पोर्ट्रेट किया खालिद अजीम साहब सर मौलाना शेरानी साहब के अलग हो जाने मौलाना फजल रहमान साहब को कोई फर्क पड़ने वाला है सर देखिए जी ये नोशनली तो इसका फ़र्क होगा कि एक मुतबादल धड़ा जो है वो बन गया जे यू आई की तारीख़ है इसमें पता नहीं कितने धड़े हमेशा रहे हैं मौलाना श्याम लाख थानवी और मौलाना ग़ल गजारवी के धड़े अलग बने उसके बाद फिर मुफ्ती महमूद साहब के मुकाबले में मौलाना दरखास्ती का धड़ा बन गया फिर इसी तरह से जब यह मुतहद होकर चले तो बाद में फे और सीन में यानी मौलाना समी लाख ने अपना धड़ा अलग कर लिया फिर बलूचिस्तान की अब तक तो पता नहीं कितनी मरतबा मतबाद धड़े बन चुके हैं मौलाना इनसे पहले जो नज़रियाती एक ग्रुप उन्होंने बनाया था वो बाद में दोबारा शामिल हो गए और ये याद रखें कि वो जो धड़ा उन्होंने उस वक्त बनाया था वो मौलाना शिरानी की महारफत में बनाया था और मौलाना शिरानी को प्रोटेक्ट कर रहे फजल रहमान साहब तो ये वो ये वहाँ पे उनका इतना को बहुत ज़्यादा असर और रसूख मीडिया में ये सारी चीज़ जो है वो चलती है और फिर देखें बलूचिस्तान की जितनी जे यू आई है उसका हर फर्द जो है वो अपनी जगह पे अपने आप को पूरी पार्टी समझता है वहाँ हर बंदा उनका पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा है उसके बाजुकात अपने जो पार्टी के महाल्फी हैं लोकल सतह पे उनके साथ इतिहाद की मिसालें मौजूद हैं और ये सिर्फ जे का मामला नहीं है तमाम पार्टीज जो है उनका यही रंग रूप है मास हो जमात इस्लामी का जिसका तो इतना वजूद ही कोई नहीं है बाकी तमाम पार्टियां जो है वो पता चला कि एक हल्के में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं और दूसरा हल्का जो है उसमें उनका आपस में इतहाद है तो मैं यही समझता हूं कि उनकी एक न्यूसेंस वैल्यू तो होगी कि जी एक अलग ग्रुप बन गया है लेकिन अदरवाइज जो मटेरियल इफेक्ट कहा जा सकता है वो इतना नहीं है और ना ही उनके साथ अगर हाफज हुसैन अहमद साहब मिलते हैं तो अफज हुसैन अहमद साहब भी जो है वो इतनी को बहुत पॉपुलर शख्सियत नहीं है वहाँ पे अपना उनका एक हल्का था अलबत वो मीडिया में बहुत पॉपुलर हैं वो जो वहाँ पे मौलाना अब्दुल वासे एक कहे जा सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा मौसर है जिनका कि पार्टी के अंदर आ, बहुत असर रसूख है वो तो मेरा ख्याल है उनके साथ अभी फ़िलहाल चल रहे हैं वो तो इस सूरत में कोई बहुत बड़ा यानी ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत बड़ा धड़ा टूट गया है और फिर ये बात भी जहन में रखें कि वहाँ पर इलेक्शन लड़ने वाला हर फर्ज जो है वो अपने उसकी एक जमात ही की हैसियत है और वो अपने फैसले जो हैं वो इंडिपेंडेंटली करते हैं जी अच्छा अली एक तरफ तो आप इंतज़ार कर रहे हैं अभी के तरदी आ जाए या तस्दीक आ जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से लेकिन दूसरी तरफ पीडीएम की दूसरी बड़ी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये भी कहीं गायब हो गए हैं हम भी इनफैक्ट रहा करने की कोशिश कर रहे हैं बात करने के लिए लेकिन कोई रबते के लिए भी तैयार नहीं है तो क्या लगता है आपको क्या इनको इतराक हो गया था कि कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बाद अब वो अपनी अपनी बना रहे हैं या फिर मरियम साहिबा का वहां पर जाना कोई और इशारा दे रहा है डिफेंसिव पोजीशन पर तो आ गई है पूरी पीडीएम आ चुकी है है सिर्फ लीग नहीं और डिफेंसिव पोजीशन इसलिए क्योंकि इनका एक पेज पर होना बड़ा लाजमी था आ, एक पेज पे ये तो मतलब यू कहने कि इनकी तो कोई किताब एक दूसरे से नहीं मिल रही है मौलाना जलसे में नहीं आ रहे हैं बरसी पर नहीं आ रहे हैं आप देखे ना क्या मकामी सियासत बीबी शहीद की बरसी से ज्यादा जरूरी थी कुछ देर के लिए आया जा सकता था वहां पर ये तमाम अवामिल मुराना शेरानी का अलहदा होना बता रहा है कि अब परेशानी जो है वो डिफेंसिव पोजिशन है वो पीडीएम पर आ चुकी है इनकी मुश्किल को भांपते हुए हुकूमत हुकूमत का कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस में में आना पहले भी थी बड़ी बड़ी अचंभे की बात है मैं हैरान कि वो शायद भांप गए थे कि मौलाना शेरानी इन दोनों में आके अलहदा हो जाएंगे अपनी अलादा से जमात बना लेंगे वो क्या मौलाना शेरानी वो करते हैं अपनी अपनी जो पार्टी पोजिशन इस वक्त उनकी है या उनका निज्ञाती काउंसिल का चेयरमैन होना ये उन्होंने मिलत है मौलाना के लेकिन

ये एहत ये जुलूस ये, ये धमकियाँ आप रोक हाँ। सकते थे लेकिन अभी उससे भी अच्छा पॉइंट था कि आप पांच आप साल परफॉर्म करने देते और फिर की बुनियाद पर आवाम के सामने बताकर फिर अवाम से वोट मांगते लेकिन शायद को मुस्लिम ताल्लुक नहीं है तो आजकल बात कर रही है ही कर लेते जी लेकिन शायद उनको बहुत जल्दी थी इस वजह से अब फिर नतएज भी बहुत जल्दी आना शुरू हो गए कि सितंबर से मामला शुरू हुआ और साल के अख्तिताम से पहले ही गो के हुकूमत के खात्मे की बात कर रहे थे लेकिन अपना ही खात्मा होता हुआ दिखाई दे रहा है बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया अली हैदर आज होते हैं खालिदजी साहब आपका भी बेहद शुक्रिया एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ ना ब्रेक के बाद वापस आती हूँ अगले सेगमेंट के जाने पड़ूंगी

सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी के एक एक आदमी के साथ पूरा पूरा माफिया चलता है दो दो महीने के लिए कमिश्नर लगते हैं जिनकी मौजे ही मौजें यहां कल अमेरिका कनाडा चले जाते हैं तबाह करके रख दिया है शहर को और कमिश्नर को पता ही नहीं है कि करना क्या है अदालत ने वजीर अली सिंध को भी तलब किया था मुराद अली शाह साहब ने जब आए तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ग्राउंड रियलिटी यह है कि कराची में कोई काम नहीं हुआ जिस पर वजीर अल साहब ने

कराची में अमनो अमान का मसला होनासुन बिल बोर्ड्स का मामला हो नालों की सफाई का मामला हो डेड लाइन ग्रीन बस चलाने की हो या कराची में सर्कुलर रेलवे की बात हो ये सुप्रीम कोर्ट ही है जिसे हर काम करवाने के लिए खुद मॉनिटरिंग करनी पड़ती रही है सुप्रीम कोर्ट में कारकर्दगी की धज्जियाँ उड़ जाती हैं लेकिन सिंधूमत में वजीर अला हों या जनाब गुज़रा जो इस काम के लिए मंतखब होकर आए हैं कुछ नहीं करके भी इतमान का वो आलम है कि कहते हैं कि काम बहुत अच्छा कर रहे हैं अच्छी हुकूमत की बात है जितना ह्यूमनली पॉसिबल है जितना हमारे पास वसायल हैं लोगों के जो मसाइल हैं जो बहुत ज़्यादा हैं उसको हल करने की कोशिश करें और हम वो कोशिश कर रहे होते हैं और शायद यही वजह है कि सुबह सिंध के लोग हमसे मुतमिन भी हैं और बार बार वोट दे के पार्टी को कहाँ करें आज तजावजात के मुकम्मल खात्मे के लिए सुप्रीम कोर्ट से मोहलत मांगने वाली सिंध हुकूमत के वजीर माजी में कहा करते थे कि इस्तीफे दे सकते हैं लेकिन तजावजात खत्म नहीं कर सकते प्लाट्स पर जो इमारत तामीर हुई है उनको तोड़ा जाए ये हो नहीं सकता ये मुमकिन नहीं हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कराची शहर के अंदर एक इंसानी अलमिया जन्म ले मैं ये काम करने से काशर हूँ मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ और ना मैं ये किसी को कह सकता सकूँगा कि काम करो मैं अपना छोड़ने को तरजीह दूंगा मैं लोगों के घर तोड़ने का फैसला नहीं कर सकता अदालत का एहतराम सराखों पर उन्होंने मुझे नोटिस किया है मैं बिल्कुल अदालत के सामने हाजिर हूँ अगर मुझे उस वक्त बतौर वजीर बल्दियात ये कहा जाएगा कि आप घरों को तोड़ दें

जी किरण अगर ये कहा जाए कि ये सुप्रीम कोर्ट ने वजीर अली सिंध को या सिंध हुकूमत को ये हिदायत की थी कि इस शहर को उसकी असल शक्ल में बहाल किया जाए तो दुरुस्त होगा क्योंकि जो 9 मई 2019 हज़ार उन्नीस का हुक्मनामा था सुप्रीम कोर्ट का वो बिल्कुल वाज था जिसका आज बार बार ज़िक्र होता रहा सुप्रीम कोर्ट में और उसी ऑर्डर पर अमल दरामद करने के लिए अदालत ने मोहलत दी है अदालत ने यह हिदायत की थी कि इस शहर को असल शक्ल में बहाल करें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका वो दुरुस्त करें ठीक करें जो मजमू तौर तो पर पार्कों पर कब्ज़े हैं मैदानों पर कब्ज़े हैं फुटपाथों पर जो तजावज़ा हैं वो ख़त्म करें रफ़ाई प्लाट्स बिलखसूस जहाँ पर कब्जा हो चुका है वो ख़त्म करें जो बड़े बड़े शहर के अस्पताल हैं उनके सामने ओपन स्पेसेस होते हैं जो ओपन स्पेस रखा जाता है आ, मास्टर प्लान में उसको क्लियर करवाया जाए हर सूरत और जगह जगह पेडिस्टेरियन ब्रिज बनाए जाएँ जेबरा क्रॉसिंग बनाई जाए ब्यूटिफिकेशन की जाए शहर की प्लानेशन की जाए सड़कों को चौड़ा किया जाए आ, कहीं फ़्लाई की ज़रूरत है वो बनाया जाए एक बहुत ही आ, समझ लें कि एक जामे हुक्मनामा था अदालत का 9 मई 2019 का जिस पर अदालत ने ये कहा था के वज़ी अला सिंध इसकी रिपोर्ट पेश करें अमल दरामद की तहम आज डेढ़ साल गुजरने के बाद जब अदालत ने इस्तफसार किया कि इस पर क्या अमल दरामद हुआ है तो सरकारी वकला और सरकारी हुकाम उस पर जवाब ना दे सके जिस पर अदालत ने चीफ जो चीफ मिनिस्टर हैं सिंध के मुराद अली शाह उनको फ़ौरी तौर पर तलब किया और उन्होंने वो जब अदालत में पेश हुए तब भी सूरत हाल कोई उनके लिए अच्छी नहीं थी वरूर ये कहते रहे कि हमने कुछ ना कुछ काम किया है ये कहना मुनासिब नहीं है कि कुछ काम नहीं हुआ तहाँ वो ये ना बता सके कि क्या काम हुआ है और वतमिन ना कर सके अदालत को उन्होंने कुछ चीज़ें बताएँ कि हमने यूनिवर्सिटी रोड बनाई है और कुछ सिवरेज का काम करवाया है ताहम एक वहाँ की ने उन्हें दे दी है सिलसिला तो हो, हो गया इसके अलावा बिल बोर्ड के मामला हो गए सड़कों के मामला हो गए वो तमाम चीजें जो शहर की हालत बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट वक्ता फवक्ता इस पर हुए जारी करती रही है मेयर कराची के लिए भी कमिश्नर के लिए भी सिंध हुकूमत के लिए भी आप शहर में निकलते हैं आपने देखा है कहीं काम होता हुआ कुछ किरन ज़मीनी हकीकत तो वही है जो ग्राउंड रियलिटी जिसका जिक्र चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने भी आज अदालत में किया और वजी अल सिंध को मुखातिब करते हुए कहा कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि शहर में कुछ भी नहीं बदला और कोई काम ऐसा नहीं है जिसको आप गिनवा सकें अब बहरहाल वजी अन् के पास इसका कोई जवाब नहीं था जो इस शहर का जो शहरी है यहाँ का रहने वाला है कराची का मकीन है वो सुबह से शाम तक टूटी फूटी सड़कों पर धक्के खाता है टूटी फूटी बसों पर सफ़र करता है ना इन्फ्रास्ट्रक्चर ठीक हुआ और ना ही मास्क ट्रांजिट का प्रोग्राम ठीक है इरफान अलग इरफान अलग बहुत बहुत शुक्रिया आपका बिलावली साहब मुख्तलिफ शहरों में जलसे करते हैं और वहाँ पर खड़े होकर वफाक हुकूमत की कारदियों को बता रहे होते हैं तो जरा यहाँ पर भी बिलावल साहब नजर डालिए कि आपके वजी आला के लिए सुप्रीम कोर्ट बता रहा है कि उनको हुक्म देने के बावजूद कुछ भी उनसे नहीं हो सका है बहरहाल मैं एक ब्रेक ले रही हूँ छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आती हूँ तो इस शहर को कितने फायर ब्रिगेड्स की ज़रूरत है कैसे इस शहर में आग लग जाती है लोगों की जिंदगी चली जाती हैं और फिर भी कुछ नहीं हो पाता बात करूंगी ब्रेक के बाद कराची में नाजरीन एक हस्ता बस्ता घर उजड़ गया है महमूदाबाद कश्मीर कॉलोनी में माँ बाप अपने पाँच बच्चों समेत झुलस गए इसमें से तीन साल का बेटा और एक साल की दो साल की दो नन्नी बच्चियाँ फौरी दम तोड़ गईं बाकी दोनों बेटियाँ माँ के साथ इस वक्त अस्पताल में जेर इलाज हैं बाप फयाज ड्राइवर है एक महीने पहले ही अपनी फैमिली को भावलपुर से कराची लेकर आया था बदकस्मत बाप को क्या पता था कि शहर में मौत उसके बच्चों की मुंतजिर है ये वो शहर है कि जहाँ का हर शहरी रिस्क पर है सड़क पर हो दफ्तर में हो घर पर हो कराची वालों के लिए मौत मुंह खोले बैठी है आज इस फैमिली के घर सईद गनी साहब पहुंचे ताजियत की और बड़ी हैरत का इजहार किया कि घर गर के करीब ही फायर ब्रिगेड का ऑफिस है हैरान हूँ कि कोई यहाँ क्यों नहीं पहुंचा तो सईद गनी साहब फायर ब्रिगेड के अमले से बास परस करेंगे आप लेकिन मैं ज़रा आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है अमला तो वैसे ही बहुत कम है क्योंकि फायर डिपार्टमेंट में काफ़ी अरसे से नई तैनातियाँ हुई ही नहीं हैं जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह भी नई भर्तियां नहीं की गई हैं सिर्फ साल 2020 में कराची में आतिश ज़दगी के जानते हैं कितने वाक़ हुए हैं छब्बीस से ज्यादा वाक़ात हो चुके हैं पिछले चार महीनों में तो घरों में आतिश जदगी के पैदर पै दिल दहला देने वाले वाक्यात होते रहे वो बफर जोन की नन्नी सात साल की उमैमा हो या पांच साल की सना लांडी की बदकस्मत माँ और उसकी पांच साल बेटी जो अपने ही आशियाने में जलकर राख हो गई या फिर हिजरत कॉलोनी का वो बदकस्मत घराना जहां मैं आपको लेकर गई थी एक ही घर के छः अफराद नकमाजल बन गए न घर की हर चीज़ जलकर राख हो गई आशियाने जल रहे हैं माँ बाप आग शोलों से झुलसते हुए नन्हे लाशें उठा रहे हैं मगर आग बुझाने वालों के पास ना वसाइल है ना अमला है शहर में कहीं आग लग जाए तो के के तो हाथ पांव फूल जाते हैं तीन करोड़ आबादी वाले शहर के फायर डिपार्टमेंट का हाल यह है बैन अलावा मैार का जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक तो एक लाख आबादी के लिए एक फायर स्टेशन और हर स्टेशन पर चार चार अदद फायर टेंडर्स गाड़ियां होनी चाहिए कम से कम इस शहर को कम से कम 300 फायर स्टेशन की जरूरत है लेकिन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ चौदह स्टेशन फ़ायल हैं। उनमें से कुछ में तो वाटर स्टोरेज टैंक ही नहीं है पानी मयसर नहीं होगा तो फिर अमला आग बुझाएगा कैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 1200 सौ फायर टेंडर्स की जरूरत है लेकिन सिर्फ चवालीस गाड़ियां हैं इनमें से भी सिर्फ और सिर्फ 30 30 गैर फाल पूरे शहर के लिए सिर्फ चौदह गाड़ियां एक्टिव हैं शहर में बुलंदोबाला इमारतें बनती जा रही हैं लेकिन फायर ब्रिगेड के पास सिर्फ पांच है जिसमें तीन नाकारा हैं जो बाकी दो हैं वो भी सिर्फ बारह से तेरह मंजिल तक आग बुझा सकते हैं तो सईद गनी साहब आप जरा नाराजगी का इजहार कर रहे थे कि यहाँ पर करीब था फायर स्टेशन आकर आग क्यों नहीं बुझाई गई ये सारी डिटेल्स मैंने आपको दे दी हैं जरा इस पर भी नजर करम फरमाइएगा अली हफीज मेरे साथ मौजूद अली ये सारे शुमार नंबर्स बताए हैं कि किन किन चीजों की इस शहर को जरूरत है लेकिन कुछ किया ही नहीं गया है इसी वजह से आग लगती है बच्चे झुलस जाते हैं लोगों की जिंदगियां चली जाती हैं लेकिन सईद कनी साहब इस तरह के आकर मैसेजेस दे देते हैं देखिए अगर हम इनको ये कहें कि शर्म होती है कोई हया होती है तो गलत नहीं होगा दो हज़ार से अब तक जो है सिंध में जियालो की हुकूमत है होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत सिंध बताए कि हमने महकमा फायर ब्रिगेड को जो है इसमें इतना काम किया है कि ये मिसाली महकमा बन गया है लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि 12 साल से जो है महकमा फायर ब्रिग्रेड को लावारी छोड़ रखा है सिंध हुकूमत ने तो गलत ना होगा पिछले चार वर्ष जो है मेयर की हुकूमत रही उन्होंने भी कोई काम नहीं करवाया अगर आप जिस तरह कह रही हैं कि बैन वामी रूल्स के मुताबिक जो है तीन सौ फायर स्टेशन शहर में होना चाहिए थे और बारह सो फायर स्टैंडर्ड जो है वो शहर की सड़कों पे जो है मौजूद होना चाहिए थे लेकिन अलमिया ये है कराची जो है बैन अवी शहर है कराची के बजट से जो है पाकिस्तान का बजट तैयार होता है लेकिन इधर हाल ये है कि चौदह फायर स्टेशन शहर के सबसे बड़े बल्दियातारे के पास है बाकी जो है तीस किस तीस जो है वो खराब है कोई मेंटेनेंस नहीं करवा रहा पांच स्नारकल है उसमें जो है वो तीन जो है खराब है दो काम कर रही है तो शिकायतें होती है बातें होती है वजीर बल्दियात पहले रह चुके हैं सईद गनी साहब इनको भी बताना चाहिए था कि इनके दौर में क्या फायर ब्रिगेड की बेहतरी बेहतरीली हुआ

हाफिज हुसैन अहमद साहब आज मेरे प्रोग्राम में मेहमान थे थोड़े से लेट हो गए बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज साहब आप मेरे साथ मौजूद हैं सर सबसे पहले तो मुझे ये बता दें कि मैं आपको किस जमात का करूँ सर क्योंकि मौलाना शिरानी साहब ऐलान कर चुके हैं जे यू आई फेस जे यू आई पाकिस्तान बनाने का तो सर मैं आपके साथ क्या लगा सर आपके नाम के साथ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम देखिए जमीयत इस्लाम पाकिस्तान ये मौलाना फजल अहमान साहब के पार्टी में आने से आठ दस साल पहले ही हम रुकन बने थे मौलाना फजल अहमान साहब ने 2002 में दो में इस्लाम के साथ फे लगवा दिया था जिसकी हमने पार्टी के अंदर भी मुखालिफत की थी इसलिए ये कहना कि हमने कोई नई पार्टी बना दी है या हमने कोई बड़ा बना दिया है हमारा सिर्फ मतम यही है कि उलमा इस्लाम पाकिस्तान जिस नैच पे बनी थी और पीडीएम और अपोजिशन जो पूरे मुल्क में चाहती है कि फिर इलेक्शन होने चाहिए और अंदाज़ इसी तरह होना चाहिए कि जो वोट देगा वही वो मंतखब हो जाए हम चाहते हैं कि जे यू आई में भी पाकिस्तान जी, में जी। भी इसी तरीके से जो अरकान है जिसको वो सदर बनाए उसी के मुताबिक चलेगा और यही मुतालबा जो

तो खुद जमीयतलम इस्लाम वालों ने अपनी इस गलती का भी इतराफ़ किया तो हमने उनसे यही बात की है कि फे या दाल ये नहीं है बल्कि ये जमीयतलमा इस्लाम है और उसके मुताबिक अगर मौलाना फजलमान साहब खुद या अपने भाई को खैबर पख्तलखा का अमीर बना दे सदर बना दे बेटे को भी बना दे भाई को भी बना दे सारी कौम को बना दें जिस तरह हमारे यहाँ खानदानी रियासत है विरासत होती है तो उस तरीके से नहीं चल सकती पार्टी और आज उन्होंने भी इस बात को तस्लीम किया है कि हम फे को हटाएंगे तो हमने कहा कि सिर्फ पे के हटावे से नहीं बल्कि फेयर इलेक्शन तब होगा जब दयादारी के तौर पर रुकियत साजी हो और उसके मुताबिक फैसले और दूसरी बात ये कि अर्ज करूँगा मैं कि जो खदशात हमने कहे थे आज़ादी मार्च के हवाले से किसे नवाज शरीफ साहब फ़ायदा उठाकर लंदन चले जाएँगे वही बात सामने आ गई फिर ग्यारह महीने तक ये लोग खामोश रहे हमने मैंने यही बात आपके प्रोग्राम में भी और दीगर चैनलों पर भी मैंने ये बात की थी कि अगर ये त, हुआ तो ये इस्तीफे नहीं देंगे ये सैनिट के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे इसके लिए जे यू आई के वर्करों को टूल के तौर पे नवाज शरीफ साहब जो इस्तेमाल करना चाहते हैं आज हाँ। पीपल्स पार्टी ने भी अपना फैसला अलग दे दिया जिन खदशात का इजहार हमने पार्टी के अंदर बैठ कर पार्टी के मे आप कह रहे हैं कि आज भी नवाज शरीफ साहब ने जे यू आई फेक इस्तेमाल कर लिया सर बिल्कुल हम यही कहते हैं कि आज पीपल्स पार्टी भी ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को आना चाहिए और ये बात मैंने कई महीने पहले कहा था कि नवाज़ शरीफ साहब वहाँ ना बैठे बल्कि आ जाए वापस और ये बात मैंने कहा था कि जो बयानी है वो वहाँ से भेज रहे हैं वो न पी का बयानी है न जे का इसी के तो पादाश में हमें निकाला गया है और जो बातें हमने सामने की थी कौम की आज वो तमाम बातें सामने आ रही हैं तो हम अपनी इस जमात को जिसके अंदर हम मौलाना फजुलरमान से भी पहले थे उसको इस तरीके से इसका बेड़ा गर्क नहीं होना देखना चाहते थे इसलिए हमने बात की है और हमारी एक एक बात सही साबित हो रही है आज आप मुझे बताएं कि पी डी एम एफ ने अगर फैसला कर दिया है इस्तीफों का तो फिर आज का फैसला वीटो किस तरह करेंगे बिलावल साहब उसको से और से हुए तो बात तो आपसे तफसीली मुस्रेंगी कर रही थी लेकिन सर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है बहुत बहुत शुक्रिया रूते नाजर से इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल अपना ख्याल रखिए अल्लाह ने बाद